चार राज्यों के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, तेलंगाना के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी, प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी और ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी। तो चार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं चार राज्यों के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जो है वो तेलंगाना की कमान संभालेंगे, भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी होंगे, प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी होंगे, ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे। बड़ी खबर इस समय की बीजेपी से हम आपको बता रहे हैं, आने वाले चुनावों को लेकर ये बड़ी घोषणा मानी जा सकती है। चार राज्यों के चुनाव प्रभारी के नाम फाइनल हो गए हैं, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है, प्रहलाद जोशी को राजस्थान और ओम माथुर को छत्तीसगढ़। रविंद्र कुमार जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये एक बड़ी घोषणा है और इसका इंतजार था, इस फैसले का, ये हो रहा था कि आज आएगा कल आएगा और अब चार राज्यों के चुनाव प्रभारी के नाम फाइनल हो गए हैं बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, अभी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि प्रहलाद जोशी को राजस्थान का बनाया गया है, नितिन पटेल गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री उनको सह प्रभारी बनाया गया, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के उनको सह चुनाव प्रभारी बनाया गया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर वरिष्ठ नेता है और मनसुख मंडाविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह चुनाव प्रभारी। सबसे बड़ी बात, तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया, अभी केरल के वो प्रदेश के प्रभारी हैं लेकिन उनको तेलंगाना का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सुनील बंसल पार्टी के महासचिव हैं, उनको सह चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेवारी तय कर दी गई है चार राज्यों में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा और ये सब फैसला हुआ है। कहीं ना कहीं कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कई घंटे तक जो चर्चा हुई है उसमें एक अंतिम रूप दिया जा गया है, माना जा रहा है और इसी कारण से अभी ये घोषणा हुई है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पार्टी जीतने की पूरी उम्मीद पाले हुए और तेलंगाना में टक्कर देने की, और इसीलिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रभारी का। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चार राज्यों में प्रभारी की घोषणा कर दी गई है, उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। एक बार मैं फिर आपको जानकारी दे देती हूँ, बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, तेलंगाना के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के और प्रहलाद जोशी राजस्थान के।